हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उमबेर, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है, आज उसका 14वां दिन है और 14वां दिन आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी बातें इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। देखिए, मैथ में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात जो टॉपिक चल रहा है, हमने पहले भी पिछली भी क्लास में ये पढ़ा है और इस क्लास में भी हमें यही टॉपिक पढ़ना है। और आज आपको ये वाला टॉपिक जो है ये पूरा कंप्लीटली खत्म करना है, यानी कि हर चीज जो भी इसमें टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी को समझना है और दो दो तीन दिन क्वेश्चन सभी के आपको करने हैं। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल या एस डी यादव की बुक है तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आज आपको लगाने हैं। तो ये पूरा फिनिश करना है आज आपको, जितना भी समय मिले, जितना भी जाने की चाहे आपको आधा एक घंटा एक्स्ट्रा और देना पड़े, लेकिन आपको टॉपिक खत्म करना है आज ये वाला। इसके बाद में देखिए, साइंस में जो पढ़ना है आपको, साइंस में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये वाला टॉपिक आपको कोई सी भी बुक होगी वहां मिल जाएगा आसानी से। इसमें देखिए पढ़ना का एक फॉर्मूला होता है ए बराबर एन प्लस पी, यानी कि परमाणु भार, एटॉमिक वेट क्या होता है और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, इनका एक फॉर्मूला होता है जैसे जेड बराबर पी बराबर ई, ये क्या जेड क्या चीज है, जेड परमाणु क्रमांक है। तो यही चीज आपको देखनी है। देखिए, ये प्रोटॉन होते हैं, इस तरह से ये एक कक्षा में किस तरह से गति करते हैं। देखिए, ये 92 यूरेनियम 235 है। अब इसमें देखिए क्रमांक क्या है, बाहर क्या है, ये सब कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, पी क्या होता है, क्रमांक होता है। क्रमांक कौन सा होता है, नंबर हमारा, ये वाला जो नंबर होता है ये क्रमांक होता है, ये 92 नंबर हमारा पी हो गया, क्रमांक हो गया। वही इलेक्ट्रॉनिक बराबर पी बराबर ये भी कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक यानी ई और बराबर पी क्या होता है, ये भी 92 होता है। कितना होता है, 92 होता है। वही जेड जेड क्रमांक ये क्या होता है, देखिए ये होता है आपका 92, ये भी क्या होता है 92। देखिए, जेड बराबर पी बराबर ये तीनों बराबर होते हैं। अगर जेड पूछा जाए, पी पूछा है, ई पूछा है, तो क्या होगा, ये वाला ही होता है। वही आपसे बाहर पूछा जाता है, बाहर क्या होता है, देखिए ए बाहर क्या होता है, ए से करेंगे बाहर हो जाएगा 235, ये वाला क्या हो जाएगा बाहर। देखिए, ऊपर रखा है तो बाहर हो गया। और देखिए, इसी में अगर हम एन लिखा रहे हैं तो देखिए एन लिखा रहे हैं तो क्या करेंगे, ए माइनस जेड करेंगे। जब ए माइनस जेड करेंगे तो 235 माइनस 92 करेंगे तो 143, इस तरह से ये निकल के आ जाता है। तो यही फॉर्मूला होता है, इससे हम सारा कुछ परमाणु भार क्रमांक संरचना सब कुछ सीख जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया तो। यही फॉर्मूला और ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस इतना ही सीखना है और ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब रीजनिंग में आपको क्या करना, देखिए पजल पहेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पजल दे दी जाएगी, वहां दो तीन क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अगर देखिए पजल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो दो तीन क्वेश्चन आपको साथ लेके आएगा। अगर आपसे पजल आती है, पजल बना लेते हैं, तो दो तीन क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। तो रीजनिंग आज आपको पजल की प्रैक्टिस करनी है, 4-6 पजल करनी है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले यूट्यूब पर देख लेना, बाद में आप कर सकते हैं। इसके बाद में करंट अफेयर में जो आपको करना है, देखिए करंट अफेयर में दिसंबर 2021 की करंट अफेयर याद करनी है आपको। क्या करना, दिसंबर 2021 की करंट अफेयर याद करनी है और आज हम पूरी एक साल की करंट अफेयर याद कर लेंगे। इसके बाद में जो बुक्स एंड ऑथर आपने कल भी पढ़े थे और इंपॉर्टेंट जो भी हैं आज भी आपको बुक एंड ऑथर पढ़ने हैं। देखिए, बहुत सारी बुक होती हैं, कम से कम 40-50 बुक होगी आपको। मैन अपने हिसाब से देखिए, आपको 50 याद कर लेनी है। कितनी याद कर लेनी है, कम से कम आप मैन 50 याद कीजिए। इसके बाद में जीके में जो पढ़ना है आज आपको, हिस्ट्री में मुगल काल पार्ट 2 यानी मुगल काल का दूसरा दिन है। दूसरे दिन आपको देखिए पूरा खत्म करना है मुगल काल। आज कोई भी क्वेश्चन आपसे मुगल काल का छूटना नहीं चाहिए। बाबर को भी खत्म करो, हुमायूं को भी खत्म करो, और अकबर को भी खत्म करो, जहांगीर को भी खत्म करो, औरंगजेब, शाहजहां, इनको ही पढ़ लो। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीज आपको पढ़नी है। तो देखिए, आज आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें मैंने बता दी है कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।